जय माता जी, जय माँ गढ़ देवी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताए थे कि एक नया प्लेस पे लेके आएंगे आप लोगों को, अभी हम लोग आ गए यहाँ पे गढ़ देवी मंदिर, जो कि मढ़ावरा में स्थित है और इसके बारे में भला कौन नहीं जानता है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके अंदर चलते हैं, अंदर किसके हम लोग लुक को देखते हैं अंदर कैसा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये सीढ़ी है, यहाँ से श्रद्धालु लोग ऊपर जा रहे हैं और जाकर मंदिर में पूजा करेंगे लोग। ये रहा आपका मंदिर जैसे कि दिख रहा है सब किसी को। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मंदिर का। ये आपका, इसको हम लोग हवन कुंड के नाम से जानते हैं, ये आपका हवन कुंड है। इसके बाद ये आपका मेन मंदिर जिसको हम लोग गर्भगृह के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे हैं। जय माता जी, जय माता जी। और यहाँ पे देखिए पंडित जी हैं जो कि हवन करवा रहे हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था, उत्तम प्रबंध है जहाँ पे लोग ठहरते हैं। और आगे यहाँ पे वो मंदिर दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे लाइन में लग के लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा खासा एक भीड़, तो सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह ऐसा भीड़, मतलब अभी समय आपका लगभग 8:30 के आसपास हो रहा है और लोग अभी आप देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे भीड़ लगता है और देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग बताए थे यहाँ पे एक बाबा जी है, हम लोग बाबा जी कैसे जानेंगे यहाँ के बारे में। बाबा जी यहाँ के बारे में कुछ बताइएगा, आपका आपका नाम बाबा जी? मेरा नाम है मतलब अमित पांडे जी। जी यहाँ माता का दरबार हर हर शुक्र सोमवार को लगता है जी। जी यहाँ माता विश्राम की है, रुकी हुई है जी। जी यह कोई बनावटी मंदिर नहीं है, यह बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं उनको माता मनोकामना पूर्ण करती है जी। बाबा जी यहाँ के जो आस्था से जुड़ा हुआ जो चीज है, जिसका शुरुआत यहाँ से हुआ था, उसके बारे में कुछ। यहाँ आवे जाने के क्रम में थोड़ा सा माता 2 सेकंड रुकी थी जी। जी और थोड़ा यहाँ विश्राम की थी माता जी। जी और यहाँ विश्राम करके ही खा गई। चलिए ठीक है बाबा जी, जी थैंक यू फॉर हमारे दर्शकों को बताने के लिए यहाँ के बारे में। और एक बात और ही है, यहाँ हर शुक्र सोमवार को मेला लगता है जी। जी यहाँ माता का जो पूजा होता है मेन पूजा शुक्र सोमवार ही है जी। जी यहाँ हर शुक्र सोमवार को भक्त नहा धोवा के खींचा हुआ कपड़ा पहन के आते हैं, माता पर डलिया चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है जी। या देवी सर्वभूते शिव शक्ति रूपे न संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो यहाँ जो भी भक्त यहाँ माता के दरबार में आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ मेन महत्व है जो नीम का वृक्ष है जी। जी इसमें ही माता का अंश है जी। जी और जैसे कि दोस्तों आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ नीम का पेड़, जो कि ये दिख रहा है यही नीम का पेड़ है जिसके बारे में बाबा जी बता रहे थे। इस नीम के पेड़ है जहाँ से कि हम लोग समझ सकते हैं ये नीम का पेड़ है, इसका आस्था है। बोला जाता है कि माता यहीं पे विश्राम की थी और इसी नीम के पेड़ का बहुत ज़्यादा मान्यता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रद्धालुओं को, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हैं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ नए जगह पे नए समय में। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, बाय बाय।